टेक्नोलॉजी और अमेरिका एक समय एक दूसरे के पर्याय समझे जाते थे। ऐसा भी समय था जब दुनिया टीवी पर देखती थी कि कैसे व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर खाड़ी में तैनात एक युद्ध पोत सटीक निशाना लगा पाते थे और इराक अथवा अफगानिस्तान में बम या मिसाइल गिरा देते थे। ये सब देखकर दुनिया भर में अमेरिका को लेकर एक प्रकार की जिज्ञासा और डर के साथ उतावलापन भी हुआ करता था। पर दिन तो किसी के भी एक से नहीं रहते। आज की स्थिति क्या है और अमेरिका में आज की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अमेरिका तो चिंतित है, वहाँ का संभ्रांत वर्ग हो या राजनीतिक, सभी चिंतित है। पर बाकी दुनिया के लिए एक प्रकार से हास्यपद स्थिति भी हो गई है। कैसे? वो ऐसे कि अब एलन मस्क जैसे चर्चित एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी के महारथी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी आसानी से अमेरिका में घुसपैठ हो रही है। मस्क ने एक चर्चित टेलीविजन प्रोग्राम 60 मिनट्स के विजुअल शेयर किए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अमेरिका की तरफ रुख करने के पहले ही लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप के वीडियोस के जरिए से ये पता होता है कि अमेरिका के बॉर्डर पर कहां से घुसपैठ हो सकती है और फिर कितना दूर चलना होगा, जिसके बाद घुसपैठिए लाइन लगा के सड़क किनारे खड़े रहते हैं क्योंकि बॉर्डर पेट्रोल के अधिकारी उस देर में उधर आते हैं और इन लोगों को अपनी हिरासत में लेकर नजदीकी शेल्टर होम में दाखिल कर देते हैं। बस इतना ही आसान हो गया है अमेरिका में दाखिल होना और फिर अंदर घुस आए लोग प्रक्रियाधीन की श्रेणी में गिने जाते हैं, यानी सरकार उनके आवेदन पर विचार कर रही है। घुसे चले आए लोगों को भी कोई जल्दी थोड़ी है, वो भी चाहते हैं कि सरकार हाँ में जवाब दे या फिर प्रक्रिया चलती रहे और अनंत काल के लिए चलती रहे, ना सुनना कोई नहीं चाहता। ये खबर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी दुर्गेश कुमार दुबे ने। आपको ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्रेश 21 पर, आपके हक के।